हेलो बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे गृह विज्ञान 10th क्लास सेकंड चैप्टर का, जिसका नाम है आय व्यय और बचत डाकखाना और बैंक के माध्यम से। आय यानी कि इनकम, व्यय खर्च और बचत यानी कि हमने कितना कमाया और उसका हमने कितना, मतलब उसका कितना हिस्सा हमने खर्च किया और खर्च करने के बाद में हमारी कितनी बचत हुई, और जो भी बचत होती है हमारी किसके माध्यम से होती है, कहाँ करते हैं, या तो अपने घर में रखते हैं और या फिर डाकखाने में या फिर बैंक के माध्यम से हम अपनी बचत करते हैं। लेकिन जब हम बचत करते हैं तो घर का जो बचत होता है, घर में जो मनी रखते हैं हम, तो वो क्या है, हमारी सेफ नहीं होती है, इसलिए हमें किसका माध्यम लेना पड़ता है, डाकखाना और बैंक का सहारा लेना पड़ता है। तो गृह प्रबंधन में धन का व्यवस्थापन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। परिवार की संपूर्ण व्यवस्था का संचालन धन पर आश्रित होता है। प्रत्येक परिवार की एक निश्चित आय होती है और उस आय का व्यय अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। व्यय की परिसीमा एवं प्रकृति बहुत कुछ आय की राशि पर निर्भर करती है। यदि आय के साधन अधिक हैं तथा गृहिणी उनका उपयोग विवेकपूर्ण एवं मितव्ययतापूर्ण करती है तो परिवार के सदस्यों को अधिक से अधिक उत्तम सेवा प्राप्त हो सकती हैं। प्रोफेसर ग्रास तथा क्रेंडल ने पारिवारिक आय की परिभाषा को अपने शब्दों में परिभाषित करते हुए कहा है कि पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ण करने तथा उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु आता है। अब आगे पॉइंट आता है पारिवारिक आय के प्रकार। पारिवारिक आय के प्रकार, बच्चों, आय की प्रकृति के आधार पर पारिवारिक आय